हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओप्पो A85 की। दोस्तों पिछले मंथ हमने आप लोगों को बताया था कि ओप्पो के 2 से 3 मॉडल जो है वो नए मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। उसके अंदर आप लोगों को मिलने जा रहा था ओप्पो A83, और अगर मैं बात करता हूँ ओप्पो F5 यूथ एडिशन की, वो भी पिछले मंथ ही मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए थे ओप्पो की तरफ से। दोस्तों आज जो आपको मोबाइल फ़ोन मिलने जा रहा है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, वो है ओप्पो A85। दोस्तों चलिए इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन टीना के ऊपर रजिस्टर हो चुका है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सी स्पेसिफिकेशन और कौन से फीचर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की डिजाइन की। तो डिजाइन की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को ओप्पो F5 याद ही होगा, बिल्कुल सेम डिजाइन आप लोगों को यहां पे भी अवेलेबल है। फ्रंट पैनल पर आप लोगों को कैमरा दस्तयाब होगा जो कि 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा दस्तयाब है। उसके साथ आप लोगों को कॉल सेंसर दस्तयाब होंगे और नीचे की तरफ आप लोगों को LCD दस्तयाब होगी। LCD के साइज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 5.7 इंच की TFT यहाँ पे LCD यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके साथ रेजोल्यूशन में बात करता हूँ तो 1440x720 मेगापिक्सल के अंदर ये रेजोल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल होगी, डिस्प्ले अवेलेबल होगा। और अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज की, तो कैमरा के अंदर आप लोगों को रेयर कैमरा जो होगा वो 13 मेगापिक्सल का दस्तयाब होगा। और मैं अगर बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दस्तयाब होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल की, तो बैक पैनल भी आप लोगों को बिल्कुल ओप्पो F5 जैसा ही डिज़ाइन मिलेगा। एक साइड के ऊपर आप लोगों को कैमरा दस्तयाब होगा जो कि 13 मेगापिक्सल का पहले ही बता चुका हूँ। उसके साथ आप लोगों को LED फ्लैश लाइट अवेलेबल होगी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आप लोगों को अवेलेबल होगा। स्पेसिफिकेशन के अंदर आप लोगों को कैमरा था जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। LCD आप लोगों को 5.7 इंच की मिलने जा रही है। और उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को 2.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है इस स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के अंदर दूसरे हाई एंड फीचर की, जैसा कि वाईफाई, ब्लूटूथ फीचर और उसके अलावा वाईफाई हॉटस्पॉट और फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये सभी चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होंगी। ड्यूल सिम सपोर्टेड होगा। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के कलर्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 कलर्स के अंदर ये मोबाइल फोन दस्तयाब होगा। गोल्ड और ब्लैक कलर के अंदर ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप लोग 256 GB तक SD कार्ड की मदद से इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को मिलने जा रहा है। मिड रेंज प्राइस आप लोगों को ये मोबाइल फ़ोन दस्तयाब होगा। आप लोग इसको बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो उससे यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की और इसकी रिलीज डेट की। प्राइस के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी प्राइस के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और बात रह जाती है इस मोबाइल फ़ोन की रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट के बारे में भी अभी तक कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को जनवरी 2018 में ही अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 2018 के फर्स्ट मंथ यानी जनवरी के अंदर ही काफ़ी सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड हैं वो अपने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, जिसके अंदर सैमसंग है, उसके अलावा आप लोगों को शाओमी है। तो काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि अपने फ्लैगशिप जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं 2018 जनवरी 2018 के अंदर। तो हो सकता है कि ये स्मार्टफोन भी आप लोगों को जनवरी 2018 के अंदर ही अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।